वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैं सॉरी गल पूछना चाह रहा हूं ते मसलन कभी लड़के ने तानू किसी ने छेड़े भी नहीं होगा मोहल्ले च जांदे कोई आंदा ना एवें क्योंकि छेड़ते हैं लेकिन उसके बाद फिर एक थप्पड़ मुझसे भी वो खा लेते हैं। मारे हुए ने जी जी शुक्र मैं मेरी बचत हो गई। ये क्या बात है जिन्ना माशाल्लाह कद दे से ते प्यारे ने थप्पड़ छप्पड़ मारे मैं यकीन सी तो ऐसी हरकत पे तो वैसे ही पड़ जाने चाहिए आपका कद हो या ना हो। हमारे चल रहे ना मुल्क में हालात चल रहे हैं कि हरासमेंट होती है और ये सारा कुछ होता है इस तरह का इनिशिएटिव हम लोग औरतें खुद हो जाती हैं मजबूर कि हमें लेना पड़ता है बड़ी अच्छी तो उनको मतलब एक स्टॉप हैंड मिल जाए ना तो फिर वो लोग मान लेते हैं। मैं बड़े अदब दे एहतराम ना पूछ रहे हैं हम बगैर जी जी कोई मसला नहीं कि जिंदगी में कुछ चीजें अच्छी तो लगती होती हैं जैसे वासिफ भाई को हमारा ये शो अच्छा लगता है ठीक है तो मुझे आप प्यारी लगती हैं फैन तो फैन ही होता ना जी जी। कभी आपको कोई अच्छा लगा और सामने बैठा हो बटा वाली शर्ट पाई हो बगैर स्त्री के कौन कहाँ बगैर स्त्री के शर्ट पहनी है उसने ऐसा है कुछ नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ लेकिन आइडियल कोई होगा। मेरे सबसे पहली चीज जो मैं देखना पसंद करती हूँ ना वो ये कि मुझसे लंबा हो सबसे पहली बात वो मुझसे लंबा हो सारे मुंडे बुला लिए फिर एडे नहीं होते। लंबी हाइट का मसला भी तो सबसे बड़ा यही है ना कि आपको अपना जो पार्टनर अगर ढूंढना पड़ता है तो आपको मेरे लिए तो मसला मेरी हाइट वाला ही है। अच्छा इसके अलावा हाइट कितने की होनी चाहिए और लुक्स वगैरह के बारे में बताएं लुक्स कैसी होनी चाहिए। 6'2" एटलीस्ट 6'2" लुक्स ज्यादा मेरे लिए अब मैटर नहीं करते बस एक कहते हैं ना नेचर अच्छी होनी चाहिए उसकी यू शुड नो हाउ टू ट्रीट अ वुमन। मुंडा लंबा होवे भावे अकरम दास वर्गा होवे इतनी किस्मत कितों अच्छा नहीं मैटर करते हैं लेकिन उतनी इंटेंसिटी पे मैटर नहीं करते मेरे लिए जितना मेरे लिए पहले वो हाइट वाली बात मैटर करती है। पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ जी बेशक क्यों नहीं तो मेरे लो फिर ना ही समझो मेरे सबसे जो पहली चीज वो देखती है वो हाइट। हाँ जी सबसे इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। हाइट पे कंप्रोमाइज है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है किसी भी सूरत। बाकी चीजों पे हो सकता है लुक्स के ऊपर लुक्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इतना नहीं हो सकता उतना नहीं हो सकता ये दो चीजें मेन है ये दो चीजें मेन हो गई हैं। और अगर बिल्कुल पढ़ा लिखा भी ना हो वो पहले आए क्यों इस सिचुएशन में नहीं देखिए अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ मुझे पता है आप ये कहना कि तीसरी चीज भी काउंट होगी ना चले ठीक है तीन तीन मेन चीज पढ़ा लिखा बेरोजगार पढ़े लिखे की गल कर लतीफ भाई आसा सरकार मेनू भी एबीसी होंगी थोड़ा ये रिजेक्ट हो गए अगे गलत हो रहे तुम लतीफ भाई को क्यों बीच में डाल रहे हो। लतीफ भाई कितना अरसा हो गया शादी को। मेरे जी माशाल्लाह अब तो बच्चों की भी शादियां हो गई ये देखे जरा लेकिन ये लग नहीं रहे को माशाल्लाह साडे ब्याह जल्दी हो जाते देखो साडे हो ही नहीं रहे। तो सेम हाइट चलेगी आपकी अगर आपकी जितनी छह से 5'6" हो। नहीं मेरी सेम आईडी क्योंकि मैं तो हील्स पहनती हूँ ना 5'10" से फिर मैं 6 की भी हो जाती हूँ हील्स पहन के। हील नहीं छोड़नी लड़का छोड़ दे। हाँ जी एक दिन ने जो एक लड़की से सवाल कर रहे हैं कि हील्स आपने पहननी है कि नहीं वो जरा लेकिन हील तो इसलिए भी पहनते ना जिनकी लड़कियों की हाइट छोटी हो। कुछ हमारे लिए होता है ना कि कुछ ड्रेसेस भी रिक्वायर करते हैं। देखिए वो ड्रेसेस का अब कुछ करना होगा ना अब लड़का तो खैर है लड़का तो कभी जिंदगी बहुत पड़ी है माशाल्लाह मिल जाएगी बहुत पड़ी हुई ड्रेस दोबारा नहीं आना लड़का फिर दोबारा आ जाएगा 22 करोड़ हैं हम सारे कोई ना कोई लड़का तो निकलेगा ड्रेस अगर सीजन निकल गया ड्रेस का तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। एक दिन ने हील वाली जूती पाई था ना ते लाख च जहाज बजा एडे उच्चे हो गए सर माशाल्लाह। यार ये तुमने क्या बात की असल मेरे दिल में नहीं रहती मैं कर देता हूं मुझे जिंदगी नहीं होती। मैं अपोलोजाइज करता हूं उसके लिए मगर कभी आपके साथ हुआ ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं। मगर आप वैसे हाज में जाती हैं तो आम सीट पे ही आम सीट कंफर्टेबली बैठ जाती हैं। वो थोड़ा होता है गाड़ी में भी बैठ के अगर मैं पीछे बैठी हूँ ना तो आगे वालों की वजह से मुझे उनको कहना पड़ता है कि आप अपनी सीट उनकी कमर के अंदर आपकी घुटने लग रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल छत में सिर लगा इंज लगा लोग कैदी लेके जा रहे अच्छा कैदी की बात ना करो एकदम नजर भाई कॉन्शियस हो जाते हैं सियासी गुफ्तगू की शुरू कर दी तुम लोगों ने मगर नहीं वैसे नजर मस्त है आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ है कि बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है ऐसे ही को लग रहा है कोई 35-36 साल का एक आदमी फिर रहा है यहाँ पे ये तो फिर है देख कितना अरसा हो गया आपकी शादी को 91 में हुई है
आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी वहाँ मुश्किल नहीं होती आपको सिर्फ तस्वीर देख रही होती है आप पूछ भी नहीं सकती किसी से कि आपकी हाइट क्या है हैंडल भी करना पड़ता है और मैं इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बेसिकली हमें वो डीएम्स भी आते हैं तो उसके अंदर तो लोग डायरेक्ट प्रपोजल्स भेज देते हैं रिश्ते वगैरह भी भेज कैसे पूछे आपको तो तस्वीर में तो हाइट ही नजर आती है मैं कभी कभार मेंशन हो ही जाता है या कोई स्टोरी लगाई हो तो उसमें भी पूछते हैं या किसी को जो रिप्लाई मैं कर सकती हूँ वो मैं कर देती होती हूँ कि ये हाइट है वैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई बाप तो उसके अंदर इस एलिमेंट को क्या कहते हैं इसका वहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं सारे हुसन किताबा तो भी अगे निकल गया जैसे सर ने अभी कहा कि ये बीमारी है ये वो सिर्फ बीमारी वाला ही नाम है सिर्फ बीमारी है बीमारी का लाइलाज है लाइलाज मुस्तकिल बीमारी क्या आज प्रोग्राम करना है कि इस बीमारी पे रिसर्च करना है आपने अभी तक हाइट के एडवांटेजेस बताए तो लड़की की जब बड़ी हाइट होती है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं नहीं नॉट रियली मेनली यही आता है कि एज सच मेरे लिए तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आया ऐसा मुझे सिर्फ एडवांटेजेस ही मिले हैं गेम्स के अंदर भी मेरा यही निकल आता है ज्यादा एज सच कोई नहीं है तो फ्रेंड्स की हाइट जब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझसे भी लंबे हैं अच्छा और मेनली गाइस जो होते हैं और कुछ लड़कियां भी मुझसे लंबी हैं लेकिन वो उतना मैटर ही नहीं करता ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੂ ਕੋਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ